Recording in progress. Hello and welcome everyone to UPSC Guides session of How to Prepare Polity. My name is Mohit Bansal and in today's session we are going to discuss how to prepare polity for 2022. Even those who are preparing for 2021, this session is going to be beneficial for these people also. Because UPSC has postponed the prelims examination from June to October. So that is why you now have the enough time to prepare for polity for this year's examination. But if you are preparing for 2022, and if we assume that UPSC prelims is going to happen next year in June, then you have full one year to prepare for polity. So you have ample amount of time to prepare for polity. To begin with, let me introduce myself to you. I am Indian Polity Faculty at UPSC Guide and I have been grooming and mentoring UPSC aspirants for last 6 years. I have been associated with premier institutes like Vision IAS, Amritas IAS, Path IAS, Muruk IAS, etc. And I have mentored more than thousands of students and many of them have reached till the stage of interview also, and few have got even the name in the divine list, that is the UPSC final list. I have myself appeared in UPSC interview twice in 2016 and 17, and I have cleared, this is prelims basically, typing error is there, I have cleared prelims 3 times. And my prelims marks are always 20 marks above than the cutoff. For example, in 2016 I got 144, 17 I got 127, and in 19 I got 123 marks. And the cutoff in the respective year was around 120 in 2016, 17 around 105, in 19 it was around 95. And in UPSC CSE 2017, I got highest marks in essay, one of the highest marks in essay, that is 155. And I have also written Haryana State Civil Service mains. Why I am telling you all of this? Because to establish a rapport, a connect with you. Second, to help you with my all the knowledge I have, with all the experience I have. Taki ye sab cheeze aapke kaam aa sake. इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं. इट इज नॉट फॉर सेल्फ बोस्टिंग, इट इज जस्ट टू हेल्प यू, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सके. एंड मैं कुशेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है एंड आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन बोथ मास्टर्स एंड बैचलर्स, दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर्स इन कॉमर्स. तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी. पॉलिटी सब्जेक्ट जो है वो आपके प्रीलिम्स में मेंशन है सिलेबस में. आल्सो इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मेंस, मोर प्रिसाइजली जीएस पेपर 2. और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस प्रिपरेशन, बिकॉज जीएस प्रिपरेशन के देखो कुछ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैं कहता हूं कि इस तैयारी के पिलर्स है, उसके बिना तो आप तैयारी को इनकम्प्लीट ही मानिए. इन सब्जेक्ट्स के बिना आप कभी भी इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकते. तो वो सब्जेक्ट्स हैं, पहला पॉलिटी,
सेकंड है इकोनॉमी, थर्ड है ज्योग्राफी, फोर्थ है हिस्ट्री। ये चार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू कैन नॉट लीव दिस सब्जेक्ट बिकॉज हर कोई इसको पढ़ रहा है, इनकी मार्क्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से नहीं किया, आधा अधूरा ही पढ़ा, इनकम्प्लीटली यू आर प्रिपेयर, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने पॉलिटी को कंप्लीटली नहीं पढ़ा, इकोनॉमी ज्योग्राफी हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा और इसको अच्छे से नहीं समझा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आई कैन गारंटी। अगर आपने इसको अच्छे से किया, आई कैन अश्योर यू आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। यू कैन नॉट इग्नोर पॉलिटी एट एनी कॉस्ट। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि इसी एग्जामिनेशन में है क्या। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स में 10 टू 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं फ्रॉम पॉलिटी, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में कई बार 20 प्लस क्वेश्चंस आर आल्सो आज फ्रॉम पॉलिटी। तो यानी आप लगा लीजिए 1/6 से लेके 1/5 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको 100% करेक्ट करने ही होंगे, अदरवाइज यू मे फेल इन द एग्जामिनेशन। तो आप इसको फैक्चुअल डाटा के थ्रू भी देख सकते हो, आप फ्रॉम 2010 टू 11 ऑन एन एवरेज 12 टू 15 क्वेश्चन आते हैं, और 2017 में 22 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं। सो पॉलिटी इज द की डिसाइडिंग फैक्टर फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। सिमिलरली फॉर मेंस, 8 टू 10 क्वेश्चन इन जीएस पेपर 2 आर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी। सो बेसिकली 100 टू 125 मार्क्स आर गारंटेड टू यू इन जीएस पेपर 2 फ्रॉम पॉलिटी, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आते हैं। 10 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम 10 मार्कर एंड 10 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम 15 मार्कर। सो ऑन एन एवरेज यू कैन इजिली स्कोर 100 टू 125 मार्क्स। आप फैक्चुअल डाटा देखिए, 2020 में 9, 18 में 10, 16, 17 में 6 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में भी एवरी नेक्स्ट ईयर एक या दो ऐसे पॉलिटी से पूछ लेते हैं। सो 125 मार्क्स ऑल्सो यू कैन इजिली गारंटेड इन एस ए। तो टोटल मार्क्स आपके अराउंड 250 मार्क्स पॉलिटी से मेंस में श्योर हो रहे हैं। एंड ऑल्सो इन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी आर आस्क्ड, चाहे आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर इज्यूम करता है कि आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपसे वो बेसिक से सवाल पूछेगा बेशक, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, इज जुडिशियल एक्टिविज्म गुड फॉर द कंट्री और नॉट, इसी तरीके से सवाल पूछेगा, बट पूछेगा जरूर। तो पॉलिटी की अच्छी समझ होना, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू सेल थ्रू द इंटरव्यू, टू सेल थ्रू द इंटरव्यू। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, आप देखिए चार तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन मीन्स जो बिल्कुल आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन जो मेंशन है वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में अगर आपको फंड्स निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली फैक्चुअल क्वेश्चन, इट्स आंसर इज बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज डी, फंडामेंटल ड्यूटीज। वेलफेयर स्टेट कहां पे मेंशन है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, डीपीएसपी, आंसर इज बी। इसी तरीके से मेंस में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पूछा गया है कि क्या मेथड है अपॉइंटमेंट का,
क्या उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, टेन्योर क्या है एक्सेट्रा, और क्या उसकी पावर्स है। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, ट्रेडिशनल, आपके सोर्सेज से, स्टैंडर्ड बुक से आप इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कैसे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है टू द पीपल, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। देन देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन विच इज कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑल्सो, जैसे राइट टू बी वोटेड एंड इलेक्टेड क्या है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कि लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को वो देखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे, अगर वायलेट करती है तो उसको स्ट्रक डाउन करती है, यही जुडिशियल रिव्यू होता है। लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है, एब्सेंट ऑफ रेस्ट्रेंट्स, लिबर्टी क्या है, आजादी, एब्सेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ हर्डल रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ वन्स फ्रीडम इज लिबर्टी, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज बी। इसी तरीके से मेंस में पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन कीजिए। Then they are asking about Supreme Court power on checking the arbitrary power of Parliament. Again separation of power के basically पूछ रहे हैं, basic structure के बारे में पूछ रहे हैं, again a conceptual question indirectly asked. Then third kind of question is analytical questions. ये क्या है कि where analysis is to be given, examination of the given topic is to be given. जहां पे आपको प्रोज कॉन्स, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मेंशन करने, प्रीलिम्स में बहुत कम पूछते हैं ये, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन प्रीलिम्स में कम पूछे जाते हैं, मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैग जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस आस्क्ड इन प्रीलिम्स। इसी तरीके से ट्राइबल्स जो है क्या ऑर्डिनरी पावर की जुरिस्डिक्शन को पैटल कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछी गई है, पंचायती राज सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये सब पूछा गया, अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन। फिर आते हैं डायनेमिक क्वेश्चन, जिनकी लिंकेज करंट अफेयर से होती है, जैसे एक जजमेंट आई थी 2016-17 में, पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी आल्सो, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इट इज आर्टिकल 21, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके से स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कैसे कंस्टिट्यूट होती है, और उसके रिसेंटली एस्टैब्लिश फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप डिस्कस कीजिए। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 के बारे में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया था क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को अफेक्ट कर रही थी, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए पूछा गया, क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए पूछा गया। यू हैव टू राइट बोथ प्रोज एंड कॉन्स इन दिस आंसर ऑफ दिस जजमेंट जजमेंट। उसके बाद एसए में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप देखिए 2017 में इकोनॉमिक मेजर्स का फिजिकल टाइज के बारे में पूछा गया, वॉटर डिस्प्यूट के बारे में पूछा गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया, क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स के बारे में पूछा गया, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा गया, लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन लाइक जस्टिस मस्ट रीच पुअर, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा गया। सो यू विल फाइंड वन और अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एसे। और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इज गवर्नर ऑफ ऑफिस इज बीइंग मिसयूज्ड, वेदर वी नीड राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट, वेदर प्रेसिडेंट ऑफिस शुड बी अबॉलिश्ड और नॉट,
जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड फॉर हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और ना सिर्फ पॉलिटी की इंपॉर्टेंस जो है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में आप देखोगे, बल्कि आप इसमें देखोगे कि पॉलिटी जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए बेस भी है। फॉर एग्जाम्पल बजट आप पॉलिटी में पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी आप बजट पढ़ोगे। डीपीएसपीस बेसिक स्ट्रक्चर की डिबेट आप पॉलिटी में पढ़ोगे, और लैंड रिफॉर्म्स जो है आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। इसी तरीके से फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव को पॉलिटी में पढ़ोगे, गुड गवर्नेंस आप गवर्नेंस में भी पढ़ो। इसी तरीके से रिजर्वेशन आप पॉलिटी में पढ़ोगे, एट द सेम टाइम कास्ट सिस्टम जो है आप सोसाइटी के सिलेबस में पढ़ोगे। सो इट हैज वेरियस इंटरलिंकेज विद अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स। तो आप अगर पॉलिटी अच्छा करोगे तो आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री अच्छी होगी। और एज अ सिविल सर्वेंट भी आपकी डे टू डे लाइफ में आप पॉलिटी को इनकाउंटर करोगे, उसमें जितने रूल्स हैं वो आप फेस करोगे और उसको आप डेली लाइफ में अप्लाई भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 144 जो है आर्टिकल 19 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 21 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको अप्लाई करोगे जब भी आपके एरिया में एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस होगी। तो सिलेबस में आपको पॉलिटी में पढ़ना क्या है? अब ये नेक्स्ट सवाल उठता है कि ये जो हमने क्वेश्चन समझे वो तैयार कहां से करें, या जो इतना बड़ा सिलेबस पेपर टू में मेंशन है उन कीवर्ड्स सिलेबस के उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उन कीवर्ड्स का स्कोप क्या है। बेसिकली वही हम समझते हैं, देखो फीचर्स आपको प्रेम्बल के बारे में पढ़ना है, उसके फीचर्स 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सब पढ़ना है, बेरुबली केस भी पढ़ना है आपको, शेड्यूल्स 12th शेड्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है पॉलिटी के थ्रू, आपको लॉ की तैयारी नहीं करनी, आपको लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी। तो आपको बेसिक आइडिया ही चाहिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना कि आप उस पर पीएचडी करने लग जाए, वो रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीएससी की। बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना और एनालिसिस आना और करंट अफेयर से लिंकेज होना ये मस्ट है, ये मस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस रहा, यह पता होना चाहिए। यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे स्टेट्स को फॉर्म किया गया, क्यों फॉर्म किया गया, क्यों फॉर्म किया गया, रिसेंट इश्यूज क्या आ रहे हैं वो भी आपको बताना चाहिए कि नए नए स्टेट्स की डिमांड हो रही है, त्रिपुरा लैंड, गोरखा लैंड, पूर्वांचल एटसेट्रा, उस इश्यूज के बारे में भी आपको बताना चाहिए। सिटीजनशिप के बारे में पता होना चाहिए, 5C11 के बारे में, OCI PIO के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, रिसेंटली जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई नई स्कीम पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको 12th से 50 के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होनी चाहिए, रिट्स पता होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A आपको पूरा याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे इन्फोर्स होती है, सब आपको पता होना चाहिए। ऐसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 56 से लेकर 51 तक, क्लासिफिकेशन और उसकी डिबेट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, उसकी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, उनके पावर फंक्शंस एक्सेट्रा। तो यहां पर देखो एक गौर करने वाली बात है क्या कि देखो पॉलिटी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं या ओवर कॉन्फिडेंटली ले लेते हैं कि ये तो हम खुद से कर लेंगे या बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसा आपको नहीं करना है। देखो इट्स नॉट एन डिफिकल्ट
सब्जेक्ट, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि डिफिकल्ट है, बट क्वालिटी में क्या है कि देखो टेक्निकलिटीज बहुत है इसमें, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज बहुत है, अगर आपको वो नहीं समझ आई तो आप इस पॉलिटी सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे, पॉलिटी सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे। अब आर्टिकल 61 में पिंच पॉइंट होता है प्रेसिडेंट का, ये सबको पता है, अब ये भी पता है सब पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत में या एनसीईआरटी में कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रीजन पे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, लेकिन ये भी कोई बताएगा कि क्यों सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रीजन पे उसको रिमूव किया जाता है, या हमने प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया ही क्यों, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाता, कोई सोचता नहीं है। ऐसे ही आप देखो पार्लियामेंट में छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है कि स्पीकर जो है वो नई पार्लियामेंट नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने से एक दिन पहले रिजाइन करता है, क्यों? प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस हमने क्यों बनाया? स्पीकर जो है वो ज्वाइंट सीटिंग पे क्यों शेयर करता है? वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं? राज्यसभा चेयरमैन क्यों नहीं? राज्यसभा चेयरमैन जो है अपने रिमूवल प्रोसेस में वोट नहीं कर सकता, स्पीकर कर सकता है, क्यों? अब ये सब रूल्स तो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, बस उसकी रीजन की तरफ नहीं जाते, तभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती और पॉलिटी के प्रोविजंस आर्टिकल्स रूल्स याद नहीं होते, ये टेक्निकलिटीज याद नहीं होती, और इसलिए पेपर में वो रॉन्ग आंसर मार्क करा देते। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि चाहे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, लाइटली लेने लग जाते हैं पॉलिटी को, तो वो आपको नहीं करना। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थिंक ओवर द ईच आर्टिकल, ईच प्रोविजन पे आप सोचिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों ये आर्टिकल, क्यों ये रूल बनाया होगा। अगर आप इस चीज को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो, डिकोड नहीं कर पा रहे हो, टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स फ्रेंड्स, उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको आंसर नहीं मिला उसका, तो सर्च ऑन द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट में मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है फिर भी आंसर नहीं मिल पाता, घंटों आपने रिसर्च की, देन टेक द हेल्प ऑफ टीचर, टेक द हेल्प ऑफ टीचर, तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे इन टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन करने में, उनके लॉजिक एक्सप्लेन करने में, उनके रीजन एक्सप्लेन करने में, उनकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने में। टेक द हेल्प ऑफ टीचर, और यूपीएससी गाइड में इस पर स्पेशली फोकस किया जाता है। तो इसी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रिविलेजेस, कमिटीज, जुडिशरी में आपको पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिमूवल प्रोसीजर, रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी जैसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे थी, वो सब पढ़ना है। रीसेंट पॉलिटिक्स जैसे राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट मान लिया गया है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आपको पढ़ना है। स्टेट लेजिस्लेचर में आपको उसकी कंपोजिशन, पावर, फंक्शंस, इश्यूज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की क्रिएशन, अबॉलिशन, नीड, इश्यूज, ये सब पढ़ना है। यूटीज के स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, जैसे अभी रिसेंटली अमेंडमेंट दिया गया जिसमें सारी पावर एलजी को ट्रांसफर की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है जब आप स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली पढ़ोगे। और अदर यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन जुरिसडिक्शन को भी पढ़ना है, पुडुचेरी के, जम्मू एंड कश्मीर के और अदर प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड यूटीज के, उसमें ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना है आपको। स्पेशल एरिया शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, क्या पावर्स में डिफरेंस है, क्यों ये प्रोविजंस डाले गए हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। एमरजेंसी प्रोविजंस आपको याद रखना है, आर्टिकल 352, 56, 360, इसमें भी देखो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है। 352 में क्यों 1 month के अंदर उसकी अप्रूवल चाहिए, 356 और 360 में क्यों 2 months की चाहिए, क्यों 352 की इनडेफिनेट टाइम लिमिट है बट पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए, 356 में पीरियोडिक अप्रूवल भी चाहिए पार्लियामेंट की और 3 years की मैक्सिमम टाइम लिमिट है, क्यों है ये रूल्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पॉलिटी आपकी प्रिपेयर्ड होगी। ऐसी सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, ये सब आपको पढ़ना है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी एसटीज, बैकवर्ड क्लास और इशू रिलेटेड टू वुमेन, ये भी आपको पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, उसमें आपको कोई इशू आ रहा हो वो पढ़ना है, जैसे अभी पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको कंसल्टेटिव कर दो, कोलिजियम बेस्ड कर दो, कमिटी बेस्ड कर दो,
क्यों रीजंस आपको उसको जानने की जरूरत है। ऐसे कोई रिसेंटली प्रोग्राम मिशन लॉन्च हुआ जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो आया, उसको जानने की जरूरत है आपको, उसकी सारी कॉन्ट्रोवर्सी जानने की जरूरत है। कोई रिसेंटली गवर्नमेंट का बिल आया है जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो यानी आपको स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके एक दूसरे को इंटरलिंक करके आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, अभी स्टैटिक पोर्शन में बहुत बोलता हूँ, ट्रेडिशनल बुक्स में बहुत बोला क्लास में अभी सेशन में, तो आपको बुक्स कौन सी रेफर करनी है पॉलिटी की। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लक्ष्मीकांत से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो गलत अप्रोच है। क्यों है, देखो अभी आप एडल्ट हो फॉर श्योर, और देखो अभी आप भागना भी जानते हो, आप स्विमिंग करना भी जानते हो, साइकिलिंग करना भी जानते हो, बाइक राइड स्कूटी राइड कार चलाना सब जानते हो, बट ये चीज आपको जब आपका बर्थ हुआ था एट द टाइम ऑफ योर बर्थ यू डू नॉट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो आपने जब आपका जन्म हुआ तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखी, पहले बैठना सीखा, फिर थोड़ा क्रॉल करना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर भागना सीखा, फिर साइकिलिंग सीखी, फिर स्विमिंग सीखी, फिर बाइक राइड सीखी, कार चलानी सीखी एक्सेट्रा। सो इसी तरीके से पॉलिटी को भी आपको यही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी है। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है एनसीईआरटी 6 से लेके 10th की, जो कि नेमी आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस 1 क्लास 6 की, 2 7 की एंड 3 8th की। सिमिलरली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 क्लास 9th की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 क्लास 10 की, और क्लास प्लस 1 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, ये आपको पढ़नी है जब आपकी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। तो क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी को आपको एटलीस्ट 1 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप उसको 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाता हूं, दिस बुक यू हैव टू रीड एटलीस्ट थ्राइस, 3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पे जाना, क्योंकि ये बुक जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी, इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन बुक, और 3 बार अगर आपने पढ़ लिया तो यू वुड हैव ह्यूज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन माइंड, तब आपको लक्ष्मीकांत में मेंशन सो मेनी रूल्स पॉलिटी के समझ आने स्टार्ट होंगे। तो लक्ष्मीकांत को आपको, आई एम शोइंग यू द बुक, दिस इज बुक, तो आपको कम से कम 5 टाइम्स पढ़ना है, कम से कम, अदरवाइज लक्ष्मीकांत जो है आपके माइंड से ऊपर से चली जाएगी, बाउंसर की तरह जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 5 बार आप पढ़ोगे तब जाके आपको समझ आएगा। मैं कम से कम 50 टाइम्स पढ़ चुका हूं लक्ष्मीकांत को, और अभी भी पढ़ता रहता हूं, और 51st टाइम भी पढ़ता हूं पर लक्ष्मीकांत को, तब भी मुझे नया इंसाइट मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नई क्लैरिटी मेरे दिमाग में आती है। तो आपसे एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड है कि 5 टाइम्स आप उसको जरूर पढ़ना, और ये 5 टाइम्स आप नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम दोगे 2022 से, उससे पहले पढ़ लेना 5 टाइम्स, यू हैव टू रीड इट। फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटीज हैं प्लस 1 की प्लस 2 की, उसको मैं बुक आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी क्लास प्लस 1 की, ये वैसे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, जिनका ऑप्शनल तो उनके लिए रिकमेंडेड होती है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ सकते हो, अगर 2 बार भी पढ़ना चाहते हो तब भी कोई नुकसान नहीं है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको आप स्किप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, इसको स्किप कर सकते हो। इसी तरीके से पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बुक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। और ये बुक है डीडी बासु, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। वाई, बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है काफी लीगल है, टेक्निकल है, और ये एज अ बाउंसर आपके लिए प्रूव हो सकती है, सो यू कैन स्किप दिस बुक आल्सो। बट उसके बाद आपको करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हमने देखा कि डायनेमिक क्वेश्चंस इन प्री मेंस आर आस्क्ड आल्सो इन इंटरव्यू, इट इज आल्सो आस्क्ड,
तो आपको करंट अफेयर तैयार करने हैं। करंट अफेयर आप कैसे तैयार करोगे? हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है उसको पढ़ो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबलनेस आती है वो पढ़ो। उसके बाद आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी है, मंथली मैगजीन्स पढ़नी है। उसमें मंथली मैगजीन्स क्यों पढ़नी है? क्योंकि कई बार इनमें कोई न्यूज आपसे स्किप हो सकती है, तो इसलिए पढ़नी है। सेकंड, कई बार इनमें टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं दिया होता, न्यूज को अच्छे से कवर नहीं करते, तो मंथली मैगजीन्स होलिस्टिकली कवर करती है, सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट द न्यूज इन 365 डिग्री एनालिटिकल मैनर। अगर आपको मंथली मैगजीन रेफर करनी है तो आप विजन आईएएस की कर सकते हो, बट अगर आपको मंथली मैगजीन्स पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, आपके लिए एक बर्डन बन जाता है कि इतनी बड़ी किताब की तरह बन जाती है मंथली मैगजीन, बुक की तरह बन जाती है और आपको डिफिकल्टी लगती है और आपको एक महीना डेढ़ महीना वेट भी करना पड़ता है मंथली मैगजीन जब रिलीज होने का, तभी आप उसको पढ़ पाओगे। तो अगर आपको ये डिफिकल्टीज लगती है तो आप यूपीएससी गाइड के टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे मंथली मैगजीन्स की जो कवरेज है वो डेली बेसिस पे दी जाती है। डेली जो भी इंपॉर्टेंट हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स होते हैं उसको समराइज किया जाता है और उसका एनालिसिस भी दिया जाता है और उसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर दिया जाता है। तो आप यूपीएससी गाइड के डेली न्यूज एनालिसिस को भी देख सकते हो। अगर आप उसको डेली रिलीजियसली कंसिस्टेंटली कवर करते हो, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स और मेंस में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर से जो आपको आता ना हो। यू वुड बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम यूपीएससी गाइड डेली न्यूज एनालिसिस विच इज बीइंग अपलोडेड इन टेलीग्राम एंड वेबसाइट एंड यू वुड एबल टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रेफर पीआरएस लेजिस्लेटिव सर्च एंड योजना क्वेश्चन। पीआरएस लेजिस्लेटिव सर्च में क्या होता है कि आपको बिल्स मिलेंगे वहां पे जो गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे एनसीटी डेली अमेंडमेंट बिल, उसका एनालिसिस, उसके प्रोविजंस आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021, यूनियन बजट का आपको प्रोविजंस एंड एनालिसिस मिलेगा। तो आप इसको संडे टू संडे रेफर कर सकते हो, संडे टू संडे। योजना के क्षेत्र में कई बार क्या होता है कि पॉलिटी का एक स्पेसिफिक इशू को बहुत ही डिटेल में कवर किया जाता है, जैसे फेडरलिज्म का आप देख सकते हो इसमें एग्जांपल। इसको बहुत सारे आर्टिकल्स फेडरलिज्म में आपको मिलेंगे और फेडरलिज्म टॉपिक जो है आपका डिटेल में कवर हो जाएगा। सो इफ यू हैव टाइम रीड योजना आल्सो। इसी तरीके से आपको सरकारिया पुंछी कमीशन सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट भी पढ़नी है। यू कैन सी दैट सरकारिया कमीशन जो सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटी दे हैव गिवन रिकमेंडेशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, एमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर स्टेट नेशन एक्सेट्रा। इसी तरीके से पुंची कमीशन ने भी सिमिलर इश्यूज पे रिकमेंडेशंस दिए हैं और ये सब रिपोर्ट्स आपको इनकी वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। आपको बस गूगल पे सर्च करना है और आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ऐसी एआरसी में देखो लोकल गवर्नेंस से लेते हुए यूनियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सबके रिकमेंडेशंस दिए। तो ये कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि ये रिपोर्ट्स बुल्की हैं, किस तरीके से प्रिपेयर की जाए। तो पहली बात, इसको आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, देन लक्ष्मीकांत करनी है। जब आपको इसकी 3-4 रीडिंग हो जाए तब आपको ये रिपोर्ट्स पढ़नी है। सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है कि आप इसकी सिर्फ समरी भी पढ़ सकते हो, आपको ये पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी इन्हीं रिपोर्ट्स के एंड में मेंशन होती है। अगर आपने समरी भी पढ़ ली तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए आप उतनी गेन कर लोगे, आप उससे टॉप रैंक भी लेके आ सकते हो। थर्ड, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप किसी कोचिंग इंडस्ट्री के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के समरी नोट्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप इसमें भी दिक्कत आ रही है तो जैसे आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हो, जैसे हम पॉलिटी की क्लासेस में सभी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ एआरसी सरकारी कमीशन पुंची कमीशन करवाते हैं। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक करवा रहे हैं तो उसमें सरकारी और पुंची कमीशन की रिकमेंडेशंस होगी। एंटी डिफेक्शन करवा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस होगी। तो
जो टॉपिक करवाया जाता है उसी के एंड में इन रिकमेंडेशंस को इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, उनको अलग से इन कमीशंस में की रिकमेंडेशंस को ढूंढनी ना पड़े, वहीं पर उनका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाता है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि हम पॉलिटिकल अप्रोच कैसे करें। देखो, पहला सबसे बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि क्या हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी करनी है। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आपको सिर्फ टॉपिक तैयार करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली करना है, और उस टॉपिक जब आपका तैयार हो जाएगा तो उससे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के इजिली आंसर कर पाओगे, इजिली आंसर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रेसिडेंट तैयार करना है तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं बेसिकली, उनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे। इंपीचमेंट प्रोसीजर क्या है, प्रीलिम्स में पूछेंगे। मेंस में पूछेंगे कि उनके ऑफिस की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, उनकी ऑफिस की लिमिटेशंस क्या है, इश्यूज क्या है, वो मेंस में पूछेंगे। और इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि वेदर वी नीड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और नॉट, सीधा ऐसे ही पूछेंगे। तो अगर आपने प्रेसिडेंट को होलिस्टिकली प्रिपेयर किया हुआ है तो आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को इजीली आंसर कर पाओगे, कहीं भी कोई भी कैसे भी क्वेश्चन है। दूसरी बात, अभी हमने समझा था कि चार तरीके की इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो आपको जब प्रेसिडेंट का टॉपिक तैयार करोगे तो आपको वो चार तरीके की इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन, डायनेमिक इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल डायनेमिक ज्यादातर मेंस में पूछेंगे और फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में पूछेंगे। तो अगर आपने वो चारों तरीके एंगल से प्रेसिडेंट को तैयार कर लिया तो आपने अपना काम कर दिया। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रीलिम्स में आपको 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेना है। आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, एक क्वेश्चन आपने गलत किया पॉलिटी का तो आप 5000 कैंडिडेट से नीचे हो जाओगे। और प्रीलिम्स में आजकल 10,000 पीपल जो है, कैंडिडेट्स जो है प्रीलिम्स में, उनको ही मेंस के लिए बुलाया जाता है। आउट ऑफ 3.5 लाख पीपल हु अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, ओनली 10,000 to 12,000 कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर मेंस। तो अगर आपके दो क्वेश्चन गलत हो गए, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो पॉलिटी को आपको इतने अच्छे से करना है कि आप 100% एक्यूरेसी लाओ। उसके लिए आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, हर आर्टिकल की रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए आपके दिमाग में, और करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेंस में भी आपको आंसर जो है कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना है। उसका मतलब क्या है कि देखो, क्वेश्चन चाहे फैक्चुअल आए, कॉन्सेप्चुअल आए, एनालिटिकल आए या डायनेमिक आए, आपको हर एस्पेक्ट जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड करना है। मतलब चारों इंफॉर्मेशन आपको आंसर में इंक्लूड करनी है। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर बीइंग मिसयूज्ड क्रिटिकली एग्जामिंग, तो आपको स्टार्ट करनी कि कौन सा आर्टिकल गवर्नर को अपॉइंट करता है, दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देन रेलेवेंस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्यों बनाया हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन। Then write about issues in office of governor, analytical information. Then write about the current issues, current examples like governor office Madhya Pradesh में, Maharashtra में, Arunachal में, Uttarakhand में misuse किया गया, examples में लिखिए। Then आपको way forward करना है सरकारी और पूंजी commission की recommendations। तो इस तरीके से सारी information आपने डाल दी, आपका answer सर्व गुण संपन्न हो गया, it is कंप्लीट बाय ऑल दी एंगल्स, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही इंटरव्यू में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। आपसे जब वो प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि वेदर वी नीड प्रेसिडेंट ऑफिस और गवर्नर ऑफिस और नोट, तब आपकी जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप इजिली आंसर कर दोगे। तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस अप्रोच को लेकर? तो हमारी स्ट्रेटजी होगी बहुत ही सिंपल है, RRP स्ट्रेटजी। वो क्या है? रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। रीड आपको क्या करना है वो मैं बता चुका हूं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है।
रिवाइज आप कैसे करोगे, आपको एटलीस्ट रिवाइज करना है 5 times. पहली रीडिंग पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, सेकंड रीडिंग में चैप्टर्स को कोऑर्डिनेट कीजिए, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर सीएम पीएम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्सेट्रा. थर्ड रीडिंग में आप माइंड मैप्स नोट्स टेबल्स एक्सेट्रा बना सकते हो. फोर्थ रीडिंग में आप अदर सब्जेक्ट्स का लिंकेज एस्टैब्लिश कीजिए, जैसे बजट पॉलिटी में भी है, इकोनॉमी में भी है, रिजर्वेशन पॉलिटी में, सोशल जस्टिस सोशल सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम, इस तरीके से कीजिए. फिफ्थ रीडिंग में आप करंट अफेयर से लिंकेज कीजिए, जैसे सिटीजनशिप चैप्टर आप लक्ष्मी गांधी पढ़ोगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आप लिंक कीजिए, जो अभी 2016 में रिसेंटली पास किया गया है लक्ष्मीकांत के सिटीजनशिप चैप्टर से. इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज में आप दिल्ली के बारे में पढ़ोगे, उसी तरीके से रिसेंटली अमेंडमेंट एक्ट को आप उससे लिंक कीजिए. तो अगर आप ये 5 readings करते हो तो यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द पॉलिटी. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, कैंडिडेट्स स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते. ये आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक. एटलीस्ट 40 test papers आप लगाइए और एक ही इंस्टीट्यूट के लगाइए, जो भी आपको पसंद हो, विजन की पसंद हो, इनसाइट्स की पसंद हो, जो पसंद हो आप लगाइए. यूपीएससी गाइड की भी जो टेस्ट सीरीज है वो यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ही बनाई गई है, और उसको भी आप करोगे तो श्योरली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा. और 40 टेस्ट आपको मेंस के लिए भी लगाने हैं, तो दिस प्रैक्टिस ऑल्सो यू हैव टू डू, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मत भूलना, उससे आपको पता चलेगा आपको टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन से प्रिपेयर करने हैं, कितनी डेप्थ में जाके प्रिपेयर करने हैं. तो ये सारे आंसर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती है, तो इसके लिए अच्छी सी बुक खरीद लेना प्रीलिम्स और मेंस की, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज हो, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर सीएम लेजिस्लेचर जुडिशरी, इस तरीके से सारे क्वेश्चन अरेंज हो, उसको आप ले लेना. और मेंस की आप विदाउट आंसर वाली लेना, क्योंकि जो उनके आंसर्स होते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, उससे आप कभी भी आंसर राइटिंग नहीं सीखने वाले. तो जस्ट बाय अ क्वेश्चन बैंक ऑफ मेंस विच डू नॉट हैव एनी आंसर. और प्रीलिम्स वाले आंसर वाले ले लेना, उसके आंसर ठीक होते हैं. और आपको पॉलिटी जो है, आई होप कि जो हमने डिस्कस किया है आप उससे इजीली प्रिपेयर कर पाओगे. अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, यू कैन ज्वाइन अवर प्रीलिम्स कम्स मेंस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं. क्योंकि मैंने बताया कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है, चाहे पॉलिटी की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो इंटीग्रेटेड फैशन में ही करनी है. प्री और मेंस के आपको दोनों पर्सपेक्टिव से टॉपिक को कवर करना है, और इन दोनों पर्सपेक्टिव को हम क्लास में अच्छे से कवर करते हैं. और जो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, हम उसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और अंडर 10,000 हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये आपका 1 महीने के एक्सपेंसेस नहीं है. अगर आप दिल्ली में एक्सपेंसिव कोचिंग लेने जाते हो और दिल्ली में कहीं भी स्टे करते हो, तो वो आपके 1 महीने के एक्सपेंसिस है. तो उस प्राइस में हम आपको प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्वालिटी जो है एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती इसमें. टाइम बाउंड मैनर में कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस वुड बी कवर्ड. और जो क्लास नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे. और डू रिमेंबर दिस, क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ. वैसे तो मैंने इतने सारे सोर्सेज आपको बनाए एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत एक्सेट्रा, क्लास नोट्स इनफ है सब कवर करने में. बट फिर भी हम जानते हैं कि स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक वो कोई किताब ना पढ़े, तो इसीलिए आप जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उसको पढ़ सकते हो टू कम्प्लीमेंट योर स्टडी. बट अगर आप क्लास नोट्स को ही अच्छे से कर लेते हो, आई एम गारंटिंग यू कि प्री और मेंस में से कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं. और करंट अफेयर्स के लिए भी स्पेशल क्लासेज हैं, ताकि जो डायनेमिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई वो कवर हो सके. और ये जितना भी कोर्स है, इट इज बीइंग डिजाइंड एंड रन अंडर द गाइडेंस ऑफ यूपीएससी टॉपर्स. यूपीएससी को गाइड के बोर्ड में बैठते हैं एंड दे हैव डिजाइन ऑल दिस थिंग, ताकि यूपीएससी की एडुकेशन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ
कैंडिडेट्स के पास अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव मैनर में पहुंच सके. दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं दैट वी वुड बी वेरी प्लीज्ड टू वेलकम यू. सो आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड यू कैन जॉइन अस एज पर योर ओन convenience. So thank you very much to all of you. I wish you very happy learning.